जी, क्या हुआ? Are you okay? Of course I'm okay, बिला. मुझे क्या हो सकता है? आपने मेरा नाम लिया, आपने बेला कहा, आपको आपको मैं याद आ गई क्या? Of course, बेला, तुम मुझे याद हो. तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता. ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है बेला? जैसे जैसे हमें मिले हुए बहुत वक्त हो गया. काफी महीनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ. क्योंकि ऐसा ही है माहिर जी, हम बहुत महीनों बाद ही मिल रहे हैं. माहिर जी देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा. आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, याद करने की कोशिश कीजिए. माहिर जी देखिए, आपको मेरा नाम याद आ गया, आपको सब कुछ याद आ जाएगा. माहिर प्लीज कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए, याद करने की. याद कीजिए, उस दिन हम क्लिफ पे थे, क्लिफ पे वो एक्सीडेंट, आपने आपने मुझे बचाने की कोशिश भी की थी. क्या हुआ माहिर, आपको याद आ रहा है? क्लिफ याद आ रही है आपको? मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. आपने मुझे बचाने की कोशिश की थी माहिर. मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है. ये बहुत बुरा हुआ था. आपकी माँ यहाँ है. लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर. खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना. तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्यों पीछे पड़े माहिर की हालत देखी होंगी? He's in pain. क्यों कर रहे हो ये सब उनके साथ? मुझे उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता. छोड़ो मेरा हाथ माहिर जी. चलो चलो उठो. जाने दो मुझे. माहिरजी, राज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूं. तुम ठीक तो? आप ठीक है भाई? क्या हो रहा है? आप ठीक? क्या हो रहा है बेटा? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं. इतने आसानी से कैसे जाओगी बेला? मुझसे भी तो निपटना होगा तुम्हें. चलिए माहिर जी. बेला समझ ठीक हो गया? मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा. मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी माहिर जी, पहले आप यहां से निकलिए. आई बेला. पकड़ लो से यू. नहीं ले चले भाई जी, संभल के. भाई जी भागिए, उठिए भागिए यहां से. क्या चाहते क्या हो तुम लोग?
आज भाभी कब से पूछ रही तुमसे? बताओ ना, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो तो बता ही दो कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आहिर जी, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, इतना नीलापन, ये तो जहर से होता है। ये जहर तो पूरी तरफ फैल गया। हाँ विश, अरे लेकिन ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं है, तो खुद विश हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कोई मामूली जहर नहीं बल्कि निढोग वंश का जहर है, जानलेवा जहर। जिसका मजा आज इस बेचारी माहिर ने भी चख लिया। गुड मूव मॉम। वैसे बेला एक बात बताओ, तुमने मुझे कितना बेवकूफ समझा? तुम्हें लगा था कि तुम वो दवाइयां बदल के उसके अंदर चीनी मिला दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतनी बेवकूफ मैं नहीं, और तुम्हारे ये सुख दुख के साथी तुमसे ज्यादा बेवकूफ है। हाँ विश, मॉम सही कह रही, बेडरूम में ही बहुत बोलती हुई है। जो भी प्लान किया था ना, सब बता दिया। बहुत बुरा किया है। खास तौर से इस माहिर के साथ तो बहुत ही बुरा किया। देखो ना, जहर का कितना असर हो गया इसके ऊपर, इसका पूरा शरीर अब नीला पड़ रहा है। बेला, तुम कुछ नहीं कर पाओ, एक काम जरूर कर सकती हो, तुम जोर जोर से दहाड़े मार के रो सकती हो, लेकिन तुमने मुझे प्यार से कहा है ना सासू माँ, तो मैं तुम्हें ऐसा रोता बिलकता थोड़ी ना छोड़ दूंगी। अच्छा क्या कहा था तुमने? हाँ, ये सबका घर है, सबका हक है, यहाँ यहाँ सबकी चलेगी, तो चला के दिखा दो ना। चलाओ इसकी सांसें। चलो यूवी। और हाँ विश, कॉफी भिजवाता हूं। माहिर के शेर में जहर फैलता जा रहा है, उसका शेर नीला पड़ता जा रहा है। रोही रोही, मैं जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आया हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माहिर के किसी काम के होंगे, क्योंकि माहिर के शरीर के अंदर निढोक वंश का जहर फैल रहा है। पर बेला, इस जहर को निकालने का कोई तो तोड़ होगा। वो कहते हैं ना, जहर जहर को मारता है, क्या पता निढोक वंश के जहर को हम में से किसी का जहर मार सके। रोही, एक काम करते, माहिर के शरीर में मेरा खून चढ़ा देते, क्योंकि मैं भी निढोक वंश का हूं, हो सकता है कि मेरे मेरे खून से माहिर का जहर खत्म हो जाए। नहीं विक्रांत, नहीं, ये सब काम नहीं करेगा, मुझे सोचने दो। गुरुजी ने कुछ बताया था, उन्होंने कहा था जब जंगली बूटी काम ना आए, आग आकड़ा अश्वगंधा नाकाम हो जाए, पंच तत्व भी जहर की काट ना कर पाए, तब भोलेनाथ की नागमणि काम आए। नागमणि, यही तो मैं चाहती थी, इसीलिए मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया निढोग वंश का वो खास जहर पाने के लिए, जिसका इस्तेमाल मैंने माहिर पे किया उसे पागल बनाए रखने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि छोटी सी चार को तुमने कुछ ज्यादा घुमा के कर दिया। अरे मैं क्या करती, मेरी बहू को इतना ज्यादा ड्रामा पसंद है, इसलिए मुझे सब कुछ इतनी ड्रामेटिकली करना पड़ा। रोनी, उस दिन तुम संजीवनी बूटी के बारे में कुछ कह रही थी ना, मतलब इसमें नागमणि काम आ सकती है? हाँ, क्योंकि वो विष्धर भोलेनाथ की नागमणि, वो किसी भी जहर को बेअसर कर सकती है, निढोग वंश के जहर को भी।